मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रताप प्रीतम है और मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो कि भोपाल में लोकेटेड है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं इस यूनिवर्सिटी से पिछले करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और टीचर एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है। और मैंने सोमू सर से रिक्वेस्ट की थी इस क्लास के लिए और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स डॉक्टर सोमू सिंह फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप कई सारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं यूजीसी नेट कोचिंग के उनसे मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और आई होप कि दे विल बी बेनिफिटेड बाय माई क्लासेस ऑनलाइन। सो विद दिस ब्रीफ नोट मैं स्टार्ट करूँगा और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये ना तो प्योरली इंग्लिश होगी और ना ही प्योरली हिंदी, तो मैं स्विच करते रहूँगा बिटवीन हिंदी टू इंग्लिश। सो यू कैन से कि मिक्स लैंग्वेजेस का मैं इस्तेमाल करूँगा, बायलिंगुअल मोड। जैसा कि कोऑर्डिनेटर के द्वारा, हेलो, जैसा कि कोऑर्डिनेटर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है और मुझे टॉपिक दिया गया है या मैंने जो चूज़ किया है टॉपिक, उसमें दो अहम हमारे टॉपिक्स हैं। एक तो है NCERT 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। एक इस पे मुझे बात करनी है आप लोगों से, कुछ डिस्कस करना है, कुछ इसके सैलियंट फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो दूसरा अहम मसला है हमारे पास, जो टॉपिक दिया गया है वो है जस्टिस वर्मा कमीशन के रिपोर्ट्स के बारे में बात करनी है, उनके क्या रिपोर्ट्स थे और क्या रिकमेंडेशंस थे उसके बारे में हम बात करें। आई होप वॉइस इज सफिशियंट इनफ, यदि कोई प्रॉब्लम हो, वॉइस ऑडिबल ना हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैसेज कर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 के बारे में। जैसा आप सभी लोग टीचर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और जानते होंगे कि हमारे पास अभी जो प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा दौर में जो टीचर एजुकेशन के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क है या जिस फ्रेमवर्क के बेस पे हमारा पूरा प्रोग्राम रन हो रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो उसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं, जो 2009 में, 2009 में ये NCT के द्वारा बनाया गया। और इसको बनाने में कई सारे हमारे सीनियर टीचर एजुकेटर्स और एकेडमिशियंस जो थे उनका अहम रोल रहा है, खास करके प्रोफेसर सी एल आनंद, प्रोफेसर एस वी एस चौधरी, प्रोफेसर वी के सब्बरवाल, प्रोफेसर सी सह्याद्री, प्रोफेसर आर एस खान, प्रोफेसर राजा गणेशन एंड प्रोफेसर एल सी सिंह। ये सारे कुछ हमारे हेलो साउंड क्या सभी लोगों को कम सुनाई दे रही है या कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनके पास है? प्लीज दो तीन पार्टिसिपेंट्स यदि रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि सचमुच में आवाज नहीं आ रही है। प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी, क्या साउंड ऑडिबल नहीं है? यदि किसी खास स्टूडेंट के पास साउंड ऑडिबल नहीं है तो वो शायद आपके नेटवर्क और डिवाइस का इश्यू हो सकता है, और यदि सभी के साथ ये समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आई थिंक मुझे आप में से कोई सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट शुड आई डू। सभी को कुछ कम है, वॉइस इज वेरी लो। डू यू हैव एनी आइडिया कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने अपना ईयरफोन अटैच किया है और आई होप कि मैं लाउड भी बोल पा रहा हूँ और नेटवर्क भी मेरे पास सही है। माइक को पास करके बोलिए, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ माइक को और पास करके बोलने की।
तो मैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 जो कि टीचर एजुकेशन के लिए बनाया गया था उसके बारे में मैं इनिशिएट कर रहा था अपने लेक्चर को। और इसमें मैंने ये बताया कि कुछ हमारे जो सीनियर प्रोफेसर्स थे एनसीईआरटी से, जामिया से, आरआई से, उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, अहम योगदान रहा है इसमें बनाने में। और इसके बाद मैं सीधे थोड़ा बैकग्राउंड पे लेकर के चलूंगा आपको कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बनाने से पहले जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण आप घटना कह सकते हैं टीचर एजुकेशन के सेक्टर में रहा वो ये है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2009 में ऑलरेडी बनाया जा चुका था। और 2005 सॉरी 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाया जा चुका था। और एजुकेशन के सेक्टर में ये ट्रेंड है कि पहले स्कूल एजुकेशन के करिकुलम को हम प्रिपेयर करते हैं और उसी के फॉलो अप के सेंस में हमें टीचर एजुकेशन को भी मोल्ड करना होता है, मुझे उस दिशा में देना होता है टीचर एजुकेशन से, जिससे कि हम ऐसे टीचर्स को प्रिपेयर करें जो टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क के थ्रू तैयार हो और स्कूल एजुकेशन करिकुलम को ट्रांजेक्ट करने की काबिलियत, वो एबिलिटी उनके अंदर आ सके। और इसीलिए हमेशा से आप देखेंगे स्कूल एजुकेशन के फॉलो अप के फॉर्म में टीचर एजुकेशन के करिकुलम के कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है, उसे भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये टीचर एजुकेशन के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 में बनाया गया, इसमें मतलब इसके बिल्कुल प्रीएम्बल के फॉर्म में जो कैप्शन सेंटेंस आप देखेंगे वो आपको पता चलेगा कि इसमें जो लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर, इसी मिशन के साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन को कंस्ट्रक्ट किया गया था एनसीटी के द्वारा। कि दो बातें थी, एक तो ह्यूमेन टीचर बनाना है जिसमें मानवीयता हो और मानवीय मूल्यों का एक तरह से संयोजन हो, ऐसे टीचर्स को बनाना है, और साथ ही साथ प्रोफेशनल टीचर्स को भी तैयार करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर को आज भी हमारे कंट्री में एक फुल फ्लेज प्रोफेशन का दर्जा शायद नहीं मिल पाया है, या पूरी दुनिया में भी यदि आप देखें तो टीचिंग को एक फुल फ्लेज प्रोफेशनल कोर्स के तौर पे या प्रोफेशनल जॉब के तौर पे नहीं देखा गया है। इसे आज भी वेस्ट के, यदि आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, ये सब के, यूएस के आप करिकुलम को देखेंगे या वहाँ के प्रोफेशनल सेक्टर्स को देखेंगे तो वहाँ आज भी इसे क्वासी प्रोफेशनल एजुकेशन सेक्टर माना जाता है, एक फुल फ्लेज प्रोफेशनल एजुकेशन सेक्टर नहीं माना जाता है। अनलाइक जैसे कि हमारे पास मेडिकल एजुकेशन सेक्टर है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, लीगल एजुकेशन है, मैनेजमेंट एजुकेशन है, उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म हमारे पास नहीं है। और इसीलिए शायद 2009 के करिकुलम फ्रेमवर्क ने इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया, सबसे ज्यादा अहमियत दी और इसको फोकस में रखा कि हमें प्रोफेशनलिज्म लाना है टीचर के अंदर और इसी काबिल का और इसी के लेवल का हमारा फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, ये बात कही गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल इनिशिएटिंग सेंटेंस कह सकते हैं ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का था जो इसमें फिर मतलब कुछ और अहम बातें कही गई हैं। और इसमें आप कह सकते हैं कि एक पर्सपेक्टिव के तौर पे यदि देखें हम टीचर एजुकेशन के फ्रेमवर्क को या फिर जो दूसरा टॉपिक है हमारा जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट, इस दोनों को मैं पर्सनली एक माइलस्टोन मानता हूँ टीचर एजुकेशन के सेक्टर। दोनों अपने आप में माइलस्टोन है और इनका अहम रोल है टीचर एजुकेशन को रीशेप करने में, उसे रिफॉर्म करने। तो पहले हम 2009 करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बोल रहे हैं तो इसे यदि मैं देखूं तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक करिकुलर रिफॉर्म की बात करता है, कि करिकुलर लेवल पे एक रिफॉर्म लाने की जरूरत है और उस रिफॉर्म को लाने के लिए जो साइको फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया गया, उसे यूज किया गया, या जो शिफ्ट आप कह सकते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट आई इसके तौर पे, तो वो ये देखा गया कि बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, जिससे कि हमारा पूरा एजुकेशन और टीचर एजुकेशन सेक्टर गवर्न हो रहा था, चाहे आप पेडागोजी की बात करें, क्लासरूम टीचिंग की बात करें, या इवन रिसर्चेस की बात करें,
तो पूरा का पूरा ये बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव से गवर्न हो रहा था, और उसी के तहत जो है रिसर्चेस भी होते थे, टीचिंग स्टाइल वैसा ही होता था, पेडागोजी का इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाता था। तो इस करिकुलम फ्रेमवर्क ने जो सबसे बड़ा रिफॉर्म यहाँ पे लाया वो ये कि बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव से निकल के हमें कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिविस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की ओर ये हमें लेकर के आए, और ये इनका एक अहम और महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट के फॉर्म में देखा जा सकता है। अच्छा, ये अचानक ऐसा नहीं कि 2009 के टीचर एजुकेशन करिकुलम में हुआ, इनफैक्ट 2005 के स्कूल एजुकेशन करिकुलम जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जानते हैं, इनफैक्ट उसी में ये सारी बातें की गई। आप उस करिकुलम फ्रेमवर्क को देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा सा साइड हो गया, साइडलाइन हो गया, और धीरे धीरे सोशलिस्ट या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क जो है उसको लेकर के आया गया, और उसमें ये बात कहेगी कि बच्चों के केवल साइकी और उसकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग को देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके सोशल कंस्ट्रक्ट को भी देखना बहुत जरूरी है, बच्चा नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। इस करिकुलम फ्रेमवर्क में एक ये भी बात कही गई थी कि हर बच्चे अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और इसीलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ये काफी हद तक इंडिविजुअल लेवल के अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग, उसकी अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करता है, और वो ये कहता है कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। और इसीलिए इस फ्रेमवर्क में ये भी बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है, जिसे आप जानते थे कि बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव में जो अप्रोच था वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच हुआ करता था, और यहाँ पे आकर के हमने स्टूडेंट ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात कही है। तो जब हम इंडिविजुअल स्टूडेंट के बिहेवियर, कैरेक्टर, उसके सोशलाइजेशन, उसके नॉलेज कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम स्टूडेंट और लर्नर के करीब आ रहे हैं, उसको फोकस में रखते हुए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं। और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो बिहेवियरिस्टिक से एक शिफ्ट देखने को मिलता है वो यही सारी बातें हमें बताता है। और 2009 के करिकुलम में इसमें एक अहम रोल दिया है टीचर्स को, टीचर एजुकेटर्स को प्रिपेयर करने की, कि आप इस पर्सपेक्टिव से टीचर को तैयार करें, और यही टीचर को तैयार करने का एक बेहतरीन या एक प्रोफेशनल तरीका हो सकता है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट के फॉर्म में मैं बताना चाहता था आप लोगों को। मैंने ये भी बोला कि एनसीईआरटी 2009 जो है ये एक तरीके से रिफॉर्म लाता है, लेकिन ये रिफॉर्म कैसा है, ये पॉलिसी लेवल के रिफॉर्म की बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, ये सिस्टमिक रिफॉर्म की बहुत ज्यादा बात नहीं करता, रादर ये करिकुलर बेस रिफॉर्म की बात करता है कि करिकुलम में ऐसे रिफॉर्म लाए, ऐसे सुधार को लेकर के आए कि उसके थ्रू हम एक प्रोफेशनल टीचर को पैदा करें, उसको हम क्रिएट करें, और वो प्रोफेशनल टीचर जो है एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने वाले बच्चे को क्लासरूम में तैयार कर सके। तो इस तरीके से हम करिकुलर रिफॉर्म की बात करते हैं कि इसे हम एक तरीके से करिकुलर रिफॉर्म के भी नाम से जान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ये अप्रोच था जिसमें करिकुलर को रिफॉर्म करने की बात। उसके बाद प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स, ये भी एक अहम मसला था जो 2009 के करिकुलम ने हमें दिया, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस बीएड स्टूडेंट या बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट पे रहता है कि हमें स्टूडेंट को ऐसे तैयार करना चाहिए, स्टूडेंट को इस तरीके से पैडागोजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस टीचिंग कुछ खास तरीके से होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीचर एजुकेटर मीन्स खास करके एमएड लेवल के एजुकेशन की जो बात, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एजुकेशन भी आप कहते हैं, पीजी लेवल पे जो हम पढ़ाते हैं, तो टीचर एजुकेशन एजुकेटर्स पे फोकस जो है हमारा बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था पिछले करिकुलम फ्रेमवर्क को यदि देखें, पूरा का पूरा फोकस क्योंकि हमें टीचर्स पे था, तो टीचर को तैयार करने का प्रोग्राम बीएड या डीएलएड होता है, डीएड होता है, तो हमारा फोकस भी वहीं तक रहता था टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क में। लेकिन इस फ्रेमवर्क में यदि देखा जाए
तो आप ये कह सकते हैं कि इस फ्रेमवर्क ने काफी हद तक टीचर एजुकेटर को तैयार करने की एक जिम्मेदारी जो है इस फ्रेमवर्क पे दी है, और उसने ये भी कहा कि हमें एक प्रोफेशनल टीचर एजुकेटर कैसे तैयार करना है उसके लिए भी हमें करिकुलम फ्रेमवर्क पे खास एम्फेसिस वो डालना है, खास ध्यान देना है वहां पे। उसके बाद इनका एक और फोकस एरिया था जिसमें कि इन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भी बात करी थी, कि टीचर एजुकेशन तो आप जानते हैं कि प्री सर्विस होता है, इन सर्विस है, दो तरीके के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लार्जली हमारी कंट्री में रन हो रहे हैं। तो ऐसे में आप ये दे सकते हैं कि अगेन पूरा का पूरा फोकस जो है हमेशा से जो रेगुलर फेस टू फेस टीचिंग रहा है, खास करके बीएड और डीएलएड कोर्स, उस पर रहा था। इस करिकुलर फ्रेमवर्क ने ओडीएल की भी बात करी है कि जिसमें कि आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो बीएड प्रोग्राम रन करते हैं उसको इफेक्टिव तरीके से चलाने की, और खास करके इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि फेस टू फेस प्रोग्राम में जिस तरीके से आप पैडागोजिकल ट्रेनिंग, आप थियोरेटिकल ओरिएंटेशन देते हैं, प्रैक्टिकल्स देते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, और उस तरीके का नॉलेज आप ट्रांजैक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स में, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग है हमारे या जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से चल रहे हैं हमारे कोर्सेज, उसमें सीवियर सीरियसनेस इस तरीके की नहीं दिखाई पड़ती है, और इसीलिए खास तवज्जो, खास इंपॉर्टेंस दिया गया यहाँ पे इस पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम पे भी, कि इसे एक फोकस में लाना है, और इसमें जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाएगी, इसकी जो ट्रेनिंग होगी, इसके थ्रू जो हम एजुकेटर और सर्टिफिकेशन का काम करेंगे, उसका मयार, उसका लेवल कहीं ना कहीं फेस टू फेस के बराबर होना चाहिए। जब इसके कोई डिग्री होल्डर निकले डिस्टेंस मोड से डिग्री लेकर के और कोई रेगुलर से लेकर के निकले, तो उनका नॉलेज लेवल, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का लेवल, उनके प्रैक्टिस टीचिंग का लेवल, उसमें कहीं ना कहीं बराबरी आनी चाहिए, तभी हम एक यूनिफॉर्म टाइप की या एक मिशन के साथ जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं वो सक्सेसफुली हम कंडक्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा एक दो और सेक्टर्स थे जिसपे बहुत ज्यादा फोकस पहले के करिकुलम फ्रेमवर्क में नहीं दिया गया था, खास करके फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की बात थी, तो इसके लिए भी इन्होंने करिकुलम फ्रेमवर्क में खास जगह प्रोवाइड किया है कि वोकेशनल और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी इन्होंने करिकुलम फ्रेमवर्क में जगह दी है, और उसके लिए भी करिकुलम तैयार करने के लिए पूरी डायरेक्टिव्स इसमें दी गई थी। तो इस तरीके से ये कुछ एड ऑन आप कह सकते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 ने लाया है, जो कि पहले के करिकुलम फ्रेमवर्क में नहीं दिखाई पड़ता था स्पेसिफिक तौर पे यदि देखा जाए तो। अब इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के संदर्भ में यदि हम देखें तो कुछ खास इसमें स्किल्स इंटीग्रेशन की जो बात की गई है या जो इसमें बात कही गई है कि जब इस करिकुलम फ्रेमवर्क से पास आउट होंगे बच्चे तो किस तरीके का लर्निंग आउटकम इनके पास होगा, किस तरीके का नॉलेज होगा इनके पास, इसके बारे में यदि देखा जाए तो कुछ उस पॉइंट्स को भी मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये बात कही गई है कि डाइवर्सिटी को बहुत इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है, कि कहीं ना कहीं लर्नर्स की डाइवर्सिटी, लर्निंग की डाइवर्सिटी, जो लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस होंगे उसकी डाइवर्सिटी की बात कही गई है। आप जानते होंगे हायर एजुकेशन में वैसे भी डाइवर्सिटी एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्वालिटी के एस्पेक्ट के फॉर्म में डाइवर्सिटी को वहां पे देखा जाता है, कि नॉलेज और स्टूडेंट और टीचर और इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट जितना डाइवर्स होगा उतनी बेहतरीन क्वालिटी होगी आपकी, इस लेवल पे देखा गया। तो इस करिकुलम फ्रेमवर्क ने डाइवर्सिटी की भी बात करी है कि डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन में डाइवर्सिटी लाना जो है करिकुलम फ्रेमवर्क और उसको लागू करने वाले इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती है। ये एक अहम डायरेक्शन जो है इससे हमें मिलता है इस करिकुलम फ्रेमवर्क से। इसके बाद है पैडागोजिकल नॉलेज हैज टू कॉन्स्टेंटली अंडरगो एडेप्टेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है इसमें कि पैडागोजिकल नॉलेज का मीनिंग यहाँ पे खास करके ये है कि जो भी आप पैडागोजिकल पेपर्स पढ़ाते हैं, जिसे आप मेथड पेपर के भी नाम से जानते हैं, तो पैडागोजिकल पेपर्स जो है उसमें डाइवर्सिटी के साथ साथ एडेप्टेबिलिटी भी लानी है आपको। एडेप्टेबिलिटी मीन्स हर साल, 2 साल, 4 साल में आप देखते हैं कि पैडागोजी चेंज होती है हमारे,
पेडागॉजी को ट्रांजेक्ट करने के तरीके में काफी तब्दीली आती है, चेंजेस। फॉर एग्जांपल, इस वक्त यदि आप देखें तो पूरी कंट्री कोविड के दौर से पिछले 1.5 साल से गुजर रही है, और कोविड ने एक तरीके से देखा जाए तो पूरे पेडागॉजिकल ट्रांजेक्शन के पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया है। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यही हो सकता है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ इस वक्त। आज से कुछ सालों पहले इस तरह की फेस टू फेस ऑनलाइन टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, इन सबों की गुंजाइश नहीं होती थी। ये ऑल्टरनेटिव जो हमें मिला है आज के टाइम में, इसी की बात ये 2009 के करिकुलम में करता है। वैसे उस समय कोविड जैसी कोई बात नहीं थी, और उस समय ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना था कि हम ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग जो है खास करके टीचर एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कर पाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि इस करिकुलम फ्रेमवर्क ने आज से 12-13 साल पहले ये बात कही थी कि हमें पेडागोजिकल एडेप्टेबिलिटी टाइम के साथ साथ, लर्नर्स के नीड के साथ साथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ, हमें अपने पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को, उसके यूज को कहीं ना कहीं चेंज करना होगा, नई टेक्नोलॉजी, नए मेथड, नए स्किल्स को एडेप्ट करना होगा अपनी पेडागोजी। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, आज भी हमारी कंट्री में देखा जाए तो रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में या अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं वहां पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेथड 100 साल पुराना है। ना स्टूडेंट तब्दीली चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, और ना ही आप देखेंगे कि वहां पे हमारे टीचर्स की भी ट्रेनिंग कुछ ऐसी रही है कि वो भी नहीं चाहते कि ड्रामा ट्रांसलेशन मेथड से बाहर निकल के आए और कम्युनिकेटिव मेथड या डायरेक्ट मेथड या जो भी रेलेवेंट मेथड हो, या इवन मिक्स मेथड की यदि हम बात करें तो उसका इस्तेमाल करें और उसको इफेक्टिव तरीके से बच्चों के साथ हम ट्रांजेक्ट करें। तो एक तरीके से इनर्शिया दिखाई पड़ता है, उस इनर्शिया को रोकने के लिए या उससे बाहर आने के लिए उस समय 12-13 साल पहले करिकुलम फ्रेमवर्क ने ये बताया कि आपको कहीं ना कहीं पेडागोजिकल एडेप्टेबिलिटी लानी होगी, नई टेक्नोलॉजी टाइम के हिसाब से, नीड के हिसाब से आपको चेंज लाना होगा अपने आप। वैसे ये हम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 12-13 साल पहले जो है करिकुलम फ्रेमवर्क ने इन चीजों की बात करी। टीचर एजुकेशन इज अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी एक बहुत अहम मसला है। लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि आप, क्योंकि आप देखेंगे इस करिकुलम फ्रेमवर्क के शुरुआत में ही जो मैंने बात की, जो कैप्शन वर्ड या मिशन वर्ड कह सकते हैं, वो कहता है कि प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर। तो प्रोफेशनलिज्म जो है ये सबसे अहम मसला है इस पूरे करिकुलम फ्रेमवर्क का। अब देखिए, प्रोफेशनलिज्म को समझने के लिए हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या तो हम डायरेक्ट डिफाइन करके समझे, या एक तरीका हो सकता है कि जो भी रिलेटेड एरियाज हैं, जो आसपास इर्द गिर्द में जो हमारे दूसरे प्रोफेशनल सेक्टर्स हैं, उससे हम कंपेयर करके समझने की कोशिश करें। तो मैं अक्सर मेडिकल मॉडल को लेता हूँ अपने क्लास में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, एमएड में, पीएचडी में, कि आप जब मेडिकल मॉडल को देखें, क्योंकि मेडिकल मॉडल इसलिए लेता हूँ कि वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है एक अच्छे प्रोफेशनल कोर्स का हमारी कंट्री में, और हमारी ही कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में। आज के वक्त में आप देखें इवन मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एजुकेशन में जो प्रोफेशनलिज्म आया है, तो मेडिकल मॉडल का एक अहम रोल रहा है वहां पे प्रोफेशनलिज्म। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि आने वाले टाइम में यदि आप देखेंगे, मैं वैसे एक स्लाइड शेयर करना चाहता था लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, मतलब सोमू सर को, और वो शायद आप लोगों से शेयर कर देंगे। इस करिकुलम फ्रेमवर्क में जो तीन अहम रोल दिया गया है, या एक तरह से कैटेगराइजेशन करने की बात कही गई है, वो एक है कि करिकुलर एंड पैडागोजिक एरिया को एक पोर्शन दिया गया है, फाउंडेशनल एरिया को दूसरा पोर्शन दिया गया है, और इक्वली इंपॉर्टेंट एरिया बनाया गया है स्कूल स्कूल इंटर्नशिप। मतलब ये तीन कैटेगरी में पूरे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को प्रोफेशनल बनाने के लिए डिवाइड किया गया है या बांटा गया है वहां पे। तो इसलिए आप इस तीन एरिया का मैंने जिक्र किया है यहाँ पे कि करिकुलम एंड पेडागोजी, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन और स्कूल इंटर्नशिप, ये तीन साइड।
और मैं मेडिकल मॉडल की इसलिए बात कर रहा था कि मेडिकल मॉडल को भी यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मेडिकल एजुकेशन में एक थ्योरी की बात होती है, मतलब जिसमें बेसिक साइंसेस और मेडिकल की थ्योरी को पढ़ाया जाता है, दूसरे साइड में उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई जाती है, मीन्स प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, और जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है हमारा वो उनके इंटर्नशिप का, मीन्स 4.5 साल के थ्योरी और प्रैक्टिस को पढ़ने के बाद आप फिर इंटर्नशिप में प्रवेश करते हैं, इंटर्नशिप में जाते हैं, जहां आपको लाइव एग्जाम्पल देखने को मिलता है और आप लाइव तरीके से बच्चों से मतलब अपने पेशेंट से वहां पे वो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बॉडी को इंस्पेक्ट करते हैं, और वहां से वो अपने पढ़े हुए थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, उनके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अब आप अपने टीचर एजुकेशन साइड में यदि आ जाए तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल यदि टीचर तैयार करना हो तो हमें कहीं ना कहीं इसी अप्रोच को लेकर के चलना होगा कि हम बच्चों को पेडागोजिकल थ्योरी की क्लासेस देंगे, हम फाउंडेशनल क्लासेस देंगे, और इन दोनों के केवल थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं होंगे, इसके अपने अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैंने देखा है जहां आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या फाउंडेशनल कोर्सेज में भी कोई प्रैक्टिकल हो सकता है, क्या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में प्रैक्टिकल की जा सकती है, क्या फिलोसफी में प्रैक्टिकल हो सकती है। बाहर के मुल्कों में, हमारी भी कंट्री में CI वगैरह के एग्जाम्पल देखें तो वहां उस पे भी प्रैक्टिकल कराने की फैसिलिटीज है, या उस तरीके का ओरिएंटेशन दिया जाता है बच्चों को। पेडागोजी में तो प्रैक्टिस होती है, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश क्लासरूम में पढ़ाते हैं, और उसके प्रैक्टिस के तौर पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट कराते हैं, हम उसको प्रेजेंटेशन के तौर पे हम प्रैक्टिस कराते हैं, कई ऐसे तमाम एक्टिविटीज हैं हमारे पास जिसे हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराते हैं। लेकिन पिछले करिकुलम फ्रेमवर्क में देखें तो बस हमारी हद यहीं तक रहती थी कि थियरी और प्रैक्टिस और थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस स्कूल में जाकर के दे देते थे। इस करिकुलम फ्रेमवर्क ने जो सबसे अहम रोल बनाया है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन एक सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट मसला आता है, या सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी नॉर्मल प्रोग्राम को प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाता है। आप जितने भी प्रोग्राम्स को देख लें, चाहे मैनेजमेंट को देखें, इंजीनियरिंग को देखें, मेडिकल साइंसेज को देखें, लीगल साइंसेज को देखें, इन सब में आप बखूबी एक कॉमन बातें पाएंगे कि इन सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं ड्यूरेशन का एक अहम रोल होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। और लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या करते हैं, यही हम थियरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, और उन थियरी और प्रैक्टिस दोनों को हम रियल लाइफ सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कराने के लिए, चाहे लीगल साइंस में हो वहां कोर्ट में जाकर के इम्प्लीमेंट करते हैं वो, मेडिकल साइंसेज में पेशेंट के साथ करते हैं, और हमारे टीचर एजुकेशन सेक्टर में यदि देखा जाए तो वहां हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि इसमें बच्चों को क्लासरूम टीचिंग में जा करके, और वहाँ पे फिफ्थ और मतलब जो भी चाहे एलिमेंट्री हो सेकेंडरी क्लास के बच्चे हो तो उन बच्चों के बीच हम प्रैक्टिस करवाएं। और उस प्रैक्टिस में आप क्या देखते हैं, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं कि लेसन प्लान को केवल डिलीवर कर दें आप जा करके, उस प्रैक्टिस में ये भी देखा जाता है कि लेसन प्लान को डिलीवर कर रहे हैं क्या वो बच्चों तक ट्रांजेक्ट हो पा रही है, नहीं ट्रांजेक्ट हो पा रही है तो आप केस स्टडी करें, आप एक्शन रिसर्च करें, वहां जाके बच्चों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की ओर आप बढ़ें। क्योंकि जब आप बच्चों को देखते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर के तरफ है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर है उसको भी आप एवरेज लर्निंग तक कैसे पहुंचा सके, ये एक अहम मसला बनता है वहां पे। और इस तरह की गुंजाइश वहां पे दी गई है इस करिकुलम फ्रेमवर्क के थ्रू, और इसमें ये बात कही गई कि लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम का होना या लॉन्ग ड्यूरेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम का होना, जिसमें लंबे समय तक आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसे डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, एंड बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर आप केस स्टडी करते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे आप कोशिश करते हैं कि
बच्चों को वो सारे अनुभव दिए जाएं, वो सारे एक्सपीरियंसेस दिए जाएं बच्चों को, जिससे कि उनके अंदर जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए टीचर भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, वो डायग्नोस करे और बच्चों को ट्रीट करे लगभग वैसे ही जैसे कि दूसरे प्रोफेशनल सेक्टर में। मैं बार बार मेडिकल साइंसेज की ओर आता हूँ कि मेडिकल साइंसेज में जैसे डायग्नोस की जाती है, उस तरह की कम से कम गुंजाइश तो बनाई जाए। और ये गुंजाइश या ये अपॉर्चुनिटी, ये स्कोप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 ने बखूबी केवल दिया ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करने के तरीके भी इन्होंने बताए हैं काफी। इसके बाद और जो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बातें कही गई थी वो ये है कि जैसे इसमें आप स्किल के तौर पे यदि देखें तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आप ऑब्जर्वेशन, स्टोरी टेलिंग, एनालिसिस, क्रिटिकल इंक्वायरी, सेल्फ लर्निंग, रिफ्लेक्शन ऑन द प्रैक्टिस, लिंकिंग प्रैक्टिस टू द कॉन्सेप्ट, तो इन तरीकों की बात की गई है कि आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन जो है पहले के जो हमारे पुराने पर्सपेक्टिव के थ्रू जो करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहे थे या ट्रांजेक्ट करने का जो स्टाइल होता था हमारा, उसमें ऑब्जर्वेशन की कोई बहुत अहम भूमिका नहीं हुआ करती थी। लेकिन नए इस करिकुलम फ्रेमवर्क ने ऑब्जर्वेशन को, पीयर ऑब्जर्वेशन को, बच्चों बच्चे कैसे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो प्रोस्पेक्टिव टीचर हमारे बीएड के बच्चे हैं जो वो सब्जेक्ट की को पढ़ते हैं, चाहे फाउंडेशन कोर्स को या पैडागोजी कोर्सेज को, उसे कैसे प्रैक्टिस में अमल में ला सकते हैं जब वो प्रैक्टिस टीचिंग में जाएंगे या कल दिन वो टीचर बनेंगे, इसके लिए इन सारे स्किल्स को डेवलप करने की बात कही गई जो मैंने अभी जस्ट आपको एन्यूमरेट करवाया आपके सामने। इसके बाद एनहांसिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक अहम मसला है जो पुराने और नए करिकुलम फ्रेमवर्क में या उनके जो सिलेबसेस थे, आप यदि पहले और अब में देखेंगे आज के सिलेबस में आप देखें तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पे बहुत ही ज्यादा फोकस दिया गया है। इनफैक्ट जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखता हूँ, मैंने सीआई के सिलेबस को भी देखा है, जामिया के सिलेबस को देखा है, आप पाएंगे कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक पढ़ाया जाता है, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश पढ़ाते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल्स की फैसिलिटी या उसका स्कोप दिया गया है, तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पढ़ाना है किसी ना किसी लेवल पे। आप एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन की बात आती है, आप प्रोजेक्ट करते हैं, सेमिनार करवाते हैं, ऐसे तमाम एक्टिविटीज में आप लाते हैं जिससे कि आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और इरिस्पेक्टिव ऑफ, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज में, चाहे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश हो, पेडागॉजी ऑफ उर्दू हो, जो जो भी लैंग्वेजेस हैं सब में इसकी बात कहेगी, लेकिन डेफिनेटली जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश के कम्युनिकेशन की बात है उसमें ये जरूर खास इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है और उस पर काफी तवज्जो फोकस किया गया है इस करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। मैंने कुछ दो तीन छोटा सा स्लाइड भी प्रिपेयर किया था, वो संभव मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे फॉरवर्ड करूंगा आपके बेनिफिट के लिए, आप इस स्लाइड को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं आपस में। उस स्लाइड में जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 था उसके फ्रेमवर्क को मैंने दिखाने की कोशिश की है, वैसे ये इजिली अवेलेबल भी है, आप गूगल यदि करेंगे, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है कैसे करिकुलम एंड पेडागोजिकल एरिया को, फाउंडेशनल एरिया को और स्कूल इंटर्नशिप के एरियाज को, और इसमें खास करके जो पहले के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम या फ्रेमवर्क थे और आज में जो डिफरेंस दिखाई पड़ता है वो इंटर्नशिप के फॉर्म में। इंटर्नशिप वैसे देखा जाए तो पहले भी हमारे पास प्रैक्टिस टीचिंग का स्कोप हुआ करता था, करीब करीब बच्चे 1 महीने 20 दिन के लिए प्रैक्टिस टीचिंग में, इनफैक्ट हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है, मैं भी बीएचयू का स्टूडेंट रहा हूँ, वहां हम लोग 1-1 साल के लिए उस समय बीएड किया करते थे, 20 से 30 दिन के लिए हम लोग जाते थे प्रैक्टिस टीचिंग में, लेकिन आज के टाइम में करीब करीब देखा जाए तो पूरे 1 सेमेस्टर को डिवोट किया गया है प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, और उस सेमेस्टर में आप पूरी गुंजाइश रखते हैं कि करीब करीब जो है 20 वीक्स का आपको टीचिंग का एक्सपोजर मिले क्लासरूम में बच्चों के साथ, और केवल क्लासरूम टीचिंग और बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं, बच्चों के साथ पैडागोजिकल इंटरेक्शन के अलावा भी उसके केस स्टडीज कीजिए, उसके साथ एक्शन रिसर्च कीजिए, उसके प्रोग्राम को आप कहीं ना कहीं इवेल्युएट कीजिए, उसके लर्निंग स्टाइल को देखिए, बच्चा यदि स्लो लर्नर है, नॉन अटेंटिव है, लेस मोटिवेटेड है, तो उसे कैसे मोटिवेट करके वापस लाना है, ऐसे छोटे छोटे एक्शन रिसर्च करने हैं, केस स्टडीज करनी है,
दो चार बच्चों को भी यदि आप ब्रिंग बैक कर सकते हैं लर्निंग के प्रति, क्लासरूम में कोई आउट ऑफ स्कूल जा रहा है उस पे केस स्टडी कीजिए, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता है बीएड ट्रेनीज के लिए हमारे पास, और इन सारी चीजों की गुंजाइश दी गई है। डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा ये अपने पूरे जो भी मैंने पावर पॉइंट बनाया है इसके ताल्लुक से। तो कुल मिलाकर के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में जो मेन मेन पॉइंट था, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। चूंकि वक्त की कमी है और एक और टॉपिक और एक अहम टॉपिक हमें दिया गया है, उस पर भी डिस्कस करना है। डेफिनेटली यदि फ्यूचर में कभी मौका मिला तो हम इसको फर्दर इलेबोरेट करना चाहेंगे आप लोगों के साथ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 को, खास करके टीचर एजुकेशन सेक्टर की जो बात मैंने कही। ये एक मसला था। दूसरा जो टॉपिक हमें दिया गया है, हम थोड़ा उसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि और ये टॉपिक जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट के बारे में हमें दिया गया था कि इसमें भी चर्चाएं करनी है, क्योंकि यूजीसी नेट में ये एक इम्पोर्टेंट यूनिट है आपके लिए। और केवल इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, वैसे भी देखें तो जो मॉडर्न टीचर एजुकेशन है हमारा, मॉडर्न कहने का मतलब पिछले 30 साल के एक्सपीरियंसेस को यदि हम देखें, खास करके जब से 1986 की पॉलिसी आई और उसके बाद से 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एनसीटी का एस्टेब्लिशमेंट, तो ये कह सकते हैं कि 93 एनसीटी एस्टेब्लिशमेंट के बाद का जो दौर था, इसे आप कह सकते हैं, वैसे ये टेक्निकल वर्ड नहीं लेकिन इसे हम मान सकते हैं कि ये मॉडर्न टीचर एजुकेशन का दौर है, मॉडर्न एरा इन टीचर एजुकेशन आप कह सकते हैं, जो पिछले 30 साल का दौर आप कह सकते हैं। और इस मॉडर्न टीचर एजुकेशन में यदि देखें तो मतलब एकेडमिशियंस का तो मानना है ही, साथ में मैं भी मानता हूं कि जस्टिस वर्मा कमीशन जो थी और इसके जो रिपोर्ट्स हैं, ये अगेन एक फर्दर माइलस्टोन है। जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी 2009 एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे पास टीचर एजुकेशन के सेक्टर में, लेकिन वो करिकुलर रिफॉर्म के साइड से वो माइलस्टोन, मतलब वो करिकुलम लेवल के रिफॉर्म की बात करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम सिस्टमिक रिफॉर्म की बात करें, पॉलिसी लेवल रिफॉर्म की बात करें, और उसमें यदि हमें माइलस्टोन ढूंढना हो, तो डेफिनेटली जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे सामने। और उसे रेफर के किए बिना टीचर एजुकेशन की बात मुझे लगता है कि नामुमकिन है और अधूरी रह जाएगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं बता दूं, ये जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट 2012 कहा जाता है इसे, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2011 में ही जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट को जो है, जस्टिस वर्मा साहब को जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया था कि टीचर एजुकेशन को ओवरहॉल या पूरे ओवरऑल टीचर एजुकेशन को रिविजिट करने की बात की गई थी। और वो बात इसलिए भी कही गई थी कि प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, करप्शन, माल प्रैक्टिसेस, मशरूमिंग, ये सारे ऐसे वर्ड्स थे कि जिन्होंने घेर रखा था पूरे टीचर एजुकेशन सेक्टर को उस दरमियान। मेरा अपना खुद का भी जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है, मैंने 2012-13 में रिसर्च किया था अपनी पीएचडी का वर्क, जिसमें कि मैंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन पे काम किया। और ये उस वही दौर था, खास करके 2002-03 से लेकर के 2007-08 तक का जो दौर आप कहते हैं, वो 5-6 साल का जो दौर था, वो एक वर्स्ट दौर था, जिसमें कि आप कमर्शलाइजेशन, रैम्पेंट कमर्शलाइजेशन टीचर एजुकेशन देख पाएंगे। टीचर कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा था, क्वालिटी डिग्रेड हो गई थी, मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है पूरी कंट्री में था, थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल एरिया था ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहाँ पे कि मशरूमिंग या कमर्शलाइजेशन नहीं था, प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखाई पड़ा था। अदरवाइज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में यदि आप देखें तो कमर्शलाइजेशन रैम्पेंट था। एनसीटी ने भी एक बड़ी खूबसूरत स्टडी की थी, एक वो भी माइलस्टोन कह सकते हैं, जिसे कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्कूल टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन पे एक स्टडी करी थी एनसीटी ने, उसकी रिपोर्ट आप एनसीटी के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। और इन्होंने 2008-09 से लेके 2017-18 के बीच एक एस्टिमेट किया था कि कितने टीचर एजुकेटर्स की जरूरत है, कितने इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कितने स्कूल टीचर्स की जरूरत है और किस किस लेवल पे, और स्टेट वाइज एनालिसिस किया था टीचर एजुकेशन के लिए।
एनसीटी ने, उसकी रिपोर्ट अवेलेबल। तो उन्होंने ये बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो इंडिया में, एक्सेप्ट फॉर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहां पे सारे के सारे स्टेट्स जो है वो ओवर सप्लाइड चल रहे हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे 3 to 4 times ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं और वहां पे टीचर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव टीचर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ये एक अहम आउटकम था एनसीटी के एस्टिमेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्टडी की। तो इस स्टडी इस स्टडी को यदि आप देखने की कोशिश करें तो इसमें ये हमें पता चलता है कि इस स्टडी का भी एक आउटकम था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जस्टिस वर्मा कमीशन बनाया। और इसके अलावा जो एक अहम, सबसे अहम रोल कह सकते हैं वो ये था कि करीब करीब 300 इंस्टीट्यूशन थे महाराष्ट्र स्टेट में, डीएड के इंस्टीट्यूशन, और उनके अप्रूवल और अप्रूवल की बात थी, जिसमें एनसीटी, वेस्टर्न रीजन रीजनल कमिटी ऑफ एनसीटी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट है उनके डिसीजंस, इन सब की वजह से करीब करीब 300 इंस्टीट्यूशन था डीएड के, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र के, जिनके की अप्रूवल का एक मसला आ गया था और उसका कोर्सेज, स्टूडेंट का एडमिशन हो गया लेकिन अप्रूवल नहीं, तो उसकी वजह से हाई कोर्ट में गए, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में गए, तो कुछ लीगल इश्यूज भी वहां पे आए थे, खास करके एक महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ और ओनली एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, तो उनके अप्रूवल का भी मसला था। तो इन सबको मिला करके उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा कमीशन को स्टैब्लिश किया और उनको बोला कि पूरी कंट्री के, महाराष्ट्र की तो एक खास स्टडी होगी ही एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पर, लेकिन पूरी कंट्री के टीचर एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए, उसके ओवरहॉलिंग के लिए कहीं ना कहीं एक कमीशन की जरूरत है जो कि पूरे टीचर एजुकेशन को रिफॉर्म करे इंडिया में, जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, और खास करके प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन पे बहुत ज्यादा बातें की गई। मतलब इसमें इस हद तक बात की गई कि जस्टिस वर्मा कमीशन ने यह भी कहा था कि करीब 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंट्री में जो है दे आर डिग्री सेलिंग इंस्टीट्यूशन, यहां तक बात कही थी उन्होंने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है या बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि कंट्री के टीचर एजुकेशन के स्टेटस को, उसके स्टेट ऑफ अफेयर्स को बताता है, जो मैंने बताया कि 90% स्टूडेंट्स आर जस्ट सेलिंग डिग्री ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसके तहत 2011 में वर्मा कमीशन को बनाया गया और 2012 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। एक और ईयर है खास करके यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके प्लान ऑफ एक्शन की भी बात हुई थी और इसका प्लान ऑफ एक्शन जो तैयार हुआ वो 2013 में तैयार हुआ। तो ये तीन अलग अलग ईयर्स हैं और इसके अलग अलग इम्पोर्टेंस है, इसे भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं। तो हम एक एक करके जो चार इन्होंने आस्पेक्ट्स थे जिसपे, मतलब पूरा रिपोर्ट यदि देखेंगे तो इसको चार भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और उसमें एक बात इन्होंने करी थी कि क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की बात करी इन्होंने, दूसरा इन्होंने क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात करी, तीसरे लेवल पे टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट की बात करी थी जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट ने, और चौथी जो कैटेगरी थी उसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ एनसीटी, एनसीटी के रेगुलेटरी फंक्शन को भी रिफॉर्म करने की बात करी थी, और जो लास्ट पोर्शन था जो मैंने बताया कि महाराष्ट्र के डीएड इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करने की भी बात करी। तो ये टोटल 5 कैटेगरीज है, 2 volume में ये पूरा रिपोर्ट है और इस दोनों वॉल्यूम में इन 5 बात आस्पेक्ट्स पे बात की गई। एक एक करके हम देखते हैं इन 5 के बारे में। जब हम क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के दायरे में आकर के देखें हम जस्टिस वर्मा कमीशन के रिपोर्ट को कि इन्होंने इसमें क्या बात करी, तो इन्होंने सबसे पहले ये बात करी कि क्वालिटी इन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को यदि बनाना है, इसे मेंटेन कराना है, इसे इंक्रीज करानी है, तो इसके लिए जिस तरीके का स्प्रेड हम रेस्ट ऑफ द कंट्री में देखते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में देखते हैं, वो हमें ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं दिखाई पड़ता है, वो अंडर सप्लाइड है। जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन ओवर सप्लाइड थे, उसी तरीके से ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो ये अंडर सप्लाइड इंस्टीट्यूशन के दायरे में आते हैं।
तो इन्होंने ये बात कही कि गवर्नमेंट को और खास करके स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है और एक फोकस्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। दूसरी बात इन्होंने कही कि प्री एंट्री टेस्टिंग की भी बात कही है इन्होंने जस्टिस वर्मा कमीशन, ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्वालिटी और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के दायरे की बात मैं इस समय कर रहा हूँ। इसके तहत इन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं प्री एंट्री टेस्टिंग की जो बात है, जो बच्चे हमारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए आते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, इनका मोटिवेशन क्या है, वो सचमुच में किस वजह से इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है इसलिए आ रहे हैं या ओनली सेफ साइड में एक डिग्री उन्हें पानी है इसलिए आ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि प्री एंट्री एक टेस्टिंग होनी चाहिए, और टेस्टिंग का मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि जो लेफ्ट ओवर हमारी कंट्री में ये ट्रेंड रहा है, आप लोग भी जानते हैं ये ओपन सीक्रेट है आज के टाइम में कि लेफ्ट ओवर बच्चे जो रहते हैं वो टीचर एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, और ये केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, कई सारे एकेडमिशियंस ने कहा है। इनफैक्ट एक कॉन्वोकेशन हो रहा था दिल्ली में ही, उसमें जस्टिस JS वर्मा हुआ करते थे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उनका मैं स्टेटमेंट उनको रेफर कर रहा हूँ। जस्टिस JS वर्मा ने ये भी बात कही थी अपने कॉन्वोकेशन एड्रेस में, लॉ यूनिवर्सिटी की कोई कॉन्वोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हमारी कंट्री में हमारे जमाने में, मतलब उन्होंने वो अपने जमाने की बात करते थे, उनके जमाने में LLB और BEd प्रोग्राम जो है उसे जूठन की तरीके से देखा जाता था, कि जो कुछ नहीं कर पाता है वो यदि ओवर्ट बच्चा है, वो यदि थोड़ा सा डोमिनेंट बच्चा है, ओवर्ट बिहेवियर का बच्चा है, तो वो लीगल एजुकेशन की ओर जाता था, और यदि इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा है और वो यदि कुछ नहीं कर पाया तो वो टीचर मतलब टीचिंग जॉब के लिए टीचर एजुकेशन सेक्टर में आता था। ये मैं कोट कर रहा हूँ मतलब जस्टिस ठाकुर को, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं, ये केवल मेरी बात है या मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में प्री एंट्री टेस्टिंग जो है ये बहुत एक अहम रोल है इसका, कि हम ये देखें कि एक मोटिवेटेड एक मिनिमम क्वालिटी होल्डिंग वाले बच्चे ही टीचिंग सेक्टर में आए, और दूसरी बात उनके मोटिवेशन उनके एटीट्यूड को भी चेक किया जाए कि वो सचमुच में टीचिंग जॉब के लिए आना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, कोई मोटिवेशन है उसका इस वजह से आना चाहते हैं, तो इसलिए प्री एंट्री टेस्टिंग की बात की गई। उन्होंने ये भी कहा कि टीचर एजुकेशन को हायर एजुकेशन सेक्टर का एक पार्ट बनाना, आप सभी जानते हैं कि आज भी टीचर एजुकेशन एजुकेशन कहीं ना कहीं एक आइसोलेटेड जिंदगी जी रहे, आइसोलेटेड मतलब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखें, उनके स्टूडेंट्स को देखें, उनके फैकल्टीज को देखें, तो एक काफी आइसोलेटेड लाइफ है, कि उनका ये है कि बस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, हमारे स्कूल्स हैं, वहीं तक हमारा दायरा है, वहीं तक हम सीमित रहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे इंस्टीट्यूशन या खास करके NEP में जो मल्टी लिंगुअलिज्म की बात कही गई है, मल्टी कल्चरलिज्म की बात कही गई है, मल्टीपल डिसिप्लिन्स की बात की गई है, उसका झलक कहीं ना कहीं उसकी झलक हमें NCERT 2009 में भी दिखाई देती थी, और जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी इस पे बात कही है कि हमें कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन को हायर एजुकेशन के दायरे में लाना है, इसको एक आइसोलेटेड विंग के फॉर्म में नहीं रहना है या किसी आइडेंटिटी क्राइसिस वाले इलाके में इसे नहीं छोड़ना है, कि बेचारा टीचर एजुकेशन सोच रहा है कि मैं स्कूल एजुकेशन का पार्ट हूँ या हायर एजुकेशन का पार्ट हूँ, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम, तो उस दौर से हमें बाहर निकालना है। लॉन्ग ड्यूरेशन को इन्होंने बोला कि लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो किसी भी प्रोग्राम को प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाता है, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन जो है करिकुलम की बात इन्होंने भी कही थी कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोग्राम बनाना है। इनफैक्ट जो 2014-15 में आप देखते हैं कि सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को 2 ईयर का किया गया, उसमें जस्टिस वर्मा कमीशन के रिपोर्ट की एक अहम रोल आप कह सकते हैं, वैसे NCERT ने भी ये सब बात कही थी, बातें तो इनफैक्ट कोठारी कमीशन से हो रही है ये सारी चीजें लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन यदि इमीडिएट हेलो यदि इमीडिएट मतलब आप देखें कि इमीडिएट रीजन क्या है उसके फॉर्म में भी देखें, तो जस्टिस वर्मा कमीशन का रिपोर्ट जो है जस्टिस वर्मा कमीशन के रिपोर्ट को क्या अभी आप आवाज सुन पा रहे हैं विदाउट ईयरफोन, प्लीज रिस्पॉन्ड करें आप में से कोई, विदाउट ईयरफोन में यूज कर रहा हूं, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग?
हेलो, प्लीज रिप्लाई कीजिए मैसेज के थ्रू कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। मैं विदाउट ईयरफोन ही यूज कर रहा हूँ। यस, तो मैं जस्टिस वर्मा कमीशन के रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशंस की बात कर रहा था, और उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन का कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है प्रोफेशनलिज्म को लाने में, इसके ताल्लुक से भी मैंने बात करी कि जस्टिस वर्मा कमीशन ने जो है इसके बारे में कहा कि ड्यूरेशन लॉन्ग होगा तो कोर्सेज प्रोफेशनलिज्म होंगे, और प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे तो कई सारी टीचर एजुकेशन की कमियां जो है हो सकता है यूं ही दूर हो जाए विदाउट एनी फर्दर इंटरप्शन। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की भी बात जो है जस्टिस वर्मा कमीशन ने कही कि कहीं ना कहीं जो ये आइसोलेटेड डिसिप्लिन के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, तो हमें मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्मेट को जो है इसमें लाना होगा। और वही बात आज के टाइम में आप देखते हैं कि एनईपी 2020 ने भी मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करी, और जो उसके प्रोग्राम ऑफ एक्शन टीचर एजुकेशन के ताल्लुक से तैयार किए जा रहे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया, तो ये आप देखते हैं कि इसमें भी मतलब मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म और जो मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, इसको बार बार यहाँ पे हाईलाइट किया गया था। और ये हाईलाइट आप देखते हैं जस्टिस वर्मा कमीशन के ही टाइम से इस इन चीजों पे बात। इन्होंने एक ये भी बात कही कि जो फर्स्ट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा हमारा, वो कभी भी डिस्टेंस मोड के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो हमेशा फेस टू फेस मोड होना चाहिए। इसका मतलब ये है, यदि कोई पहली बार डीएलएड प्रोग्राम कर रहा है तो डेफिनेटली वो फेस टू फेस ही होना चाहिए, डीएलएड आप डिस्टेंस मोड से रन नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भी बातें जस्टिस वर्मा कमीशन। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर एजुकेशन पे बात करी, इन्होंने ये कहा कि टीचर एजुकेशन के जो फैकल्टीज हैं उनको ट्रेन करने के लिए, मॉडर्न पैडागोजी की ट्रेनिंग के लिए हमें कहीं ना कहीं उनको कैपेबल बनाना है, और इनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स, और खास करके जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसके थ्रू फैकल्टी, टीचर एजुकेशन के फैकल्टी को रीओरियंट करने की बात कही जस्टिस वर्मा कमीशन। इनफैक्ट यदि इनके कमीशन रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ें तो मुझे तो ये भी दिखाई पड़ता है कि ये केवल सिस्टमिक रिफॉर्म की बात नहीं करता है, केवल पॉलिसी रिफॉर्म की बात नहीं करता है, इन्होंने करिकुलर लेवल पे भी जाकर के कई सारे रेकमेंडेशंस दिए, तो इसलिए भी इसे एक माइलस्टोन हम समझ सकते हैं जस्टिस वर्मा कमीशन के रिपोर्ट। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिफॉर्म फॉर फैकल्टी अपॉइंटमेंट, इस पे भी इन्होंने बोला, क्योंकि आप जानते हैं 2001-2002 से लेके 2007-08 के दरमियान देखते हैं कि टीचर एजुकेशन के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स में फ्रीक्वेंट चेंजेस दिखने को मिलते हैं। कभी बीएड वाले बीएड को पढ़ा रहे हैं, कभी बीएड विद एक्सपीरियंस वाले बीएड की लेक्चर बन जाते हैं, कभी एमएड वाले बन जाते हैं, कभी पीएचडी, कभी विदाउट नेट, कई तरीके के नॉर्म्स में चेंजेस आए इस दरमियान। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो फैकल्टी रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया है उसमें रिफॉर्म लाने की और यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है खास, तो इस पे इन्होंने बात कही। और उसके बाद रिसर्च ओरिएंटेशन, हाँ रिसर्च ओरिएंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च ओरिएंटेशन का मीनिंग यहाँ पे है कि जो भी हम करिकुलर लेवल की बात करते हैं, पेडागोजिक लेवल की बात करते हैं, या इंटर्नशिप के रिफॉर्म की बात करते हैं, तो ये केवल क्लासरूम प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, इन सारे एरियाज में अंदर जा करके हमारे एमफिल लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, एक्शन रिसर्च लेवल पे, एमएड लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे हमें रिसर्च करना होगा, तब जा करके कोई डिसिप्लिन प्रोफेशनल डिसिप्लिन के फॉर्म में थी। तो रिसर्च पे भी इन्होंने खास एक तरह से इंपॉर्टेंस दिया था जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट ने, कि ये जितनी भी रिफॉर्म की बात की गई है ये केवल क्लासरूम या इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस की बात नहीं है, इस पे हमें रिसर्च करनी होगी, और रिसर्च के आउटकम को जब लेकर के आएंगे तो वो और भी स्ट्रेंथन होगा। उसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट था इनका वो था क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन ये भी अहम मसला था, अहम इसलिए भी है कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कंट्री ने हमेशा से लाइट वे में लिया है, इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई पड़ती है। इनफैक्ट कई सारे रिसर्चेस हैं, जामिया में दो तीन रिसर्चेस को मैंने देखा है, आईसीएसएसआर के रिसर्चेस हैं, यूजीसी के रिसर्च हैं, जिसपे की कमर्शलाइजेशन मीन्स प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लोगों ने कंपेयर करने की भी कोशिश की,
कि दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं कमर्शियल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस मोड में चला रहे हैं वो भी कमर्शियल प्रैक्टिस है, क्योंकि एजुकेशन वो देना नहीं है, पढ़ाना वहाँ है नहीं, क्लासरूम टीचिंग है नहीं, जो नॉर्म बने हुए हैं उसे फॉलो नहीं किया जाता है, इन सर्विस टीचर्स आते हैं लेस इंटरेस्टेड होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डिग्री लेस इंटरेस्टेड इन क्लासरूम, इस तरह की तमाम समस्याओं के वजह से उसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसलिए जस्टिस वर्मा कमीशन ने ये भी बात कही है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यदि डिस्टेंस मोड में करानी है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कराना है, तो उसे सीरियस मैनर में कराना है। और इन्होंने ये भी बात की कि स्टेट गवर्नमेंट का जो है एक अहम रोल होना चाहिए इसमें, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये ज्यादातर प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट के साइड से, क्योंकि टीचर्स वहीं से आते हैं, अनट्रेन टीचर्स आज भी आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा अनट्रेन टीचर्स मिलेंगे आपको, जो ट्रेनिंग लेने आते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग वो भी आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के, जो डिस्टेंस एजुकेशन के डिपार्टमेंट है ओपन यूनिवर्सिटीज है वहां ज्यादा से ज्यादा, वैसे इग्नू ने भी काफी इसमें ट्रेनिंग दी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का एक बड़ा चंक है जो उनके होल्ड में रहता है और वहां जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने इन सर्विस ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करने की बात कही। उसके बाद एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसको स्ट्रेंथन, खास करके डायट लेवल पे जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, छोटे छोटे FDP प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्कशॉप सेमिनार्स के जो इन सर्विस ट्रेनिंग ये उसकी क्वालिटी को एनहांस करने की बात कही गई। और ये सारी बातें इसलिए की गई है कि जिस तरह के क्वालिटी को हम एक्सपेक्ट करते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, उसी तरह की क्वालिटी के एक्सपेक्टेशंस या उसके प्रैक्टिसेस जो है इन सर्विस टीचर एजुकेशन में भी आए। इसलिए इन्होंने बोला कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन इनसेपरेबल पार्ट है, और इसी के तहत कहीं ना कहीं जब हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में क्वालिटी की बात करते हैं तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने इस पे भी बात करी, और खास करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनाने की बात की। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट्री टीचर है वो जा करके 3 दिन का एक प्रोग्राम रन कर ले, 10 साल बैठ जाए, उस 3 दिन के प्रोग्राम का कोई आउटकम ना हो उसके पास, बात ऐसे नहीं हो। बात क्या होनी चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, एक प्रोफेशनल डेवलप प्रोग्राम अटेंड किए, उसके फॉलोअप में कोई वर्कशॉप होनी चाहिए, वर्कशॉप हो जाए, फिर कहीं ना कहीं वो टीचर आउटकम के फॉर्म में स्टूडेंट को लर्निंग को इम्प्रूव करा करके, कोई पेपर लिख करके, कोई पब्लिकेशन करके, कोई रिसर्च करके, कहीं ना कहीं एक साइकिल बनाना है हमें, हमें ट्रेनिंग मिल रही है, हमें एजुकेशन मिल रहा है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आउटकम को हम ला रहे हैं। इस साइकिल को कंप्लीट कराने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और खास करके एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कही थी। तो ये क्वालिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में कुछ बात थी। फिर टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट की भी इन्होंने बात करी है जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट ने, और इसमें खास करके जो दो बातें कही गई, एक टीचर के अप्रेजल के बारे में, टीचर अप्रेजल का मतलब अप्रेजल सिस्टम आज भी है लेकिन अप्रेजल में क्या है कि फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा होती है हमारी। तो फेवरेटिज्म नहीं हो करके, फेवरेटिज्म होने की वजह से क्या है कि कुछ खास लोग तरक्की पा लेते हैं, कुछ लोगों की गुंजाइश ज्यादा बनती है, कुछ की कम बनती है, वहां पे आपके एजुकेशन, आपकी क्वालिटी, आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। खास करके मैं बात कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहां पे जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है उसके ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। तो अप्रेजल सिस्टम को रिफॉर्म करने की इन्होंने बात। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि टीचर के परफॉर्मेंस के ऑडिट के लिए भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब ये है कि टीचर कैसा पढ़ाता है, उसके ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, पिछले साल कैसा पढ़ा रहा था, इस साल कैसा पढ़ा रहा है, क्या वो अपने स्ट्रेटजीज में, अपने टेक्निक में कुछ तब्दीली ला रहा है, क्या उन्होंने कोई रिसर्च किया, कोई एक्शन रिसर्च किया, किसी तरीके से लास्ट ईयर के प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश बनी है इस साल में। तो इस तरह के एक्टिविटीज को लाने के लिए इन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं टीचर के परफॉर्मेंस को चेक करना है, साल दर साल चेक करना है, टाइम टू टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो स्टैग्नेशन था टीचर्स में उस स्टैग्नेशन को दूर करने की बात कही गई थी। उस स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए टीचर के परफॉर्मेंस और ऑडिट की बात की गई, लेकिन इसमें यह भी बात बार बार कही गई है कि टीचर परफॉर्मेंस की, ऑडिट की, अप्रेजल का मतलब टीचर को हैरास करना नहीं, उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है कि ये सब करेंगे तो आप
अपने करियर में, अपने लाइफ में, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक लेडर में आगे जाएंगे, प्रमोट होंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टीचर परफॉर्मेंस और टीचर ऑडिट की बात कही थी, वो रेकमेंड किया था। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ एनसीटी, इस पे भी बात कही थी। और इसमें जो एनसीटी क्योंकि इसमें एनसीटी के रेगुलेटरी फंक्शंस की जो बात होती है, जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट से पहले एक और कमेटी बनी थी। वैसे वो कमेटी शायद कहीं पॉलिसी सर्किल में गुम हो गई, उस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई थी। एक कमेटी थी जिसका नाम था सुदीप बनर्जी कमेटी, ये बनाई गई थी। और एनसीटी ने सुदीप बनर्जी कमेटी बनाई और उसमें टीचर एजुकेशन और खास करके एनसीटी को रिफॉर्म के लिए या उसके फंक्शनिंग को देखने के लिए सुदीप बनर्जी कमेटी रिपोर्ट बनी थी। और सुदीप बनर्जी कमेटी रिपोर्ट ने भी काफी नेगेटिव रिव्यू दिया था एनसीटी का। उन्होंने तो इनफैक्ट अपने रिकमेंडेशन में ये तक बात कह दी थी कि एनसीटी को भी बंद कर देना चाहिए और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, जो नॉर्मल बीए बीएससी बीकॉम प्रोग्राम जो नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उसी की तरीके से रन करना चाहिए। इसके सारे जो कमर्शियलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं उसी से दूर। लेकिन खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप यदि देखें तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट ने जिस तरीके से एनसीटी और उसके फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज किया और उसके रिफॉर्म की बात करी, इसकी आधारशिला यदि आप देखें, इसका फाउंडेशन सुदीप बनर्जी कमेटी ने ऑलरेडी दे दिया था 2008। इन्होंने भी कुछ बातें कही और खास करके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के ताल्लुक से कि फ्रीक्वेंटली नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स जो चेंज होते हैं हमारी एनसीटी के, और नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप ये देखेंगे कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को फ्लक्चुएट करके उसको प्रो प्राइवेटाइजेशन की दिशा में डाल करके प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया। प्रो प्राइवेटाइजेशन का मतलब जब जरूरत हो टीचर रिक्रूटमेंट के नॉर्म को कम कर दीजिए, कम पैसे वाले टीचर आपको मिल जाएंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए तीन तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल कॉस्ट एक होता है, दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट और तीसरा सैलरी कॉस्ट। ये तीन तरीके के कॉस्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में। यदि आप कैपिटल कॉस्ट में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा इनिशियल अमाउंट आपको लगाना होता है जिसके थ्रू आप इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करते हैं। अब देखिए एनसीटी ने अपने नॉर्म्स को क्या किया, एक टाइम था जब 5000 स्क्वायर फीट का नॉर्म हुआ करता था एनसीटी का, उसने उस नॉर्म को घटा करके 2500 स्क्वायर फीट का नॉर्म कर दिया गया। वैसे ये छोटे छोटे टेक्निकल नंबर की बात है, लेकिन ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि 5000 स्क्वायर मीटर और 2500 स्क्वायर मीटर जो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट नंबर है जो कि कहीं भी प्रोलिफरेशन के लिए, मशरूमिंग के लिए ज्यादा गुंजाइश बना देता है, एक ह्यूज अमाउंट की सेविंग हो जाती है। दूसरे साइड फैकल्टी का जो कॉस्ट होता है टीचिंग पूरे इंस्टीट्यूशन को रन करने में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो अप टू 80% कॉस्ट जो है वो फैकल्टी को की सैलरी के सेंस में जाता है, प्राइवेट में भी लगभग ऐसे ही 50-60% तो वहां भी जाते हैं। अब फैकल्टी के नॉर्म को यदि कम कर दिया जाए, कम पैसे में यदि फैकल्टी मिलने लगे, स्कूल टीचर वाले ही यदि टीचर एजुकेशन में भी पढ़ाने लगे तो कम पैसे में वो पढ़ा देंगे, वहां से आपकी मॉनिटरी सेविंग हो जाएगी और करप्शन की गुंजाइश वहां चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। इन चीजों को रोकने के लिए इन्होंने बोला कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को रिव्यू करना है और इसमें स्टैग्नेशन जो एक स्टैग्नेशन नहीं मतलब नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड में जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते आ रहे हैं वो नहीं करना, एक क्वालिटी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड जिससे कि एक क्वालिटी टीचर एजुकेशन को हम रन कर सके वो बना करके वहीं पे हमें रोके हैं। ऐसा नहीं कि बार बार किसी एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत हो उसके हिसाब से आज नॉर्म का चेंज कर देते हैं, कल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कर देते हैं, परसों ज्यादा स्टूडेंट चाहिए उसके हिसाब से हम नॉर्म चेंज कर दें। तो इस तरह की इन्होंने स्टेबिलिटी की भी बात करी थी जिसमें कहा कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड को रिव्यू करना है। रेगुलेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसमें इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क की बात कि जो इंस्पेक्शन का हमारा फ्रेमवर्क है, इंस्पेक्शन का मतलब जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल के लिए जो टीम जाती है, इंस्पेक्शन की टीम होती थी, उसमें रिफॉर्म करने की एक बड़ी बात कही गई। और उसमें रिफॉर्म करने का मतलब ये है कि वो टीम, आप सभी लोगों को पता है कि एक करप्ट टीम, एक करप्ट लोगों का एक हुजूम बना हुआ था उस दौर में 2002-03 से लेकर 7-8 तक की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, और उनका एक अहम रोल रहा था, तो उसको भी खत्म करने की बात कही इन्होंने कि जो एक इंस्पेक्शन का फ्रेमवर्क हो वो भी एक तैयार होना चाहिए। इनफैक्ट आज के टाइम में जब यदि आप एनसीटी के फंक्शनिंग को देखें तो इनके पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है, इन्होंने तैयार किया हुआ है, जिसके तहत कि आपको पहले डिक्लेयर करना है, एक फॉर्म बना हुआ है उसके हिसाब से आपका अपना डिक्लेरेशन होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, फिर
स्टूडेंट टीम आएगी, उससे मैच करेगी, आपका जीपीएस होगा, इन सारी चीजों को जो है आप कहीं ना कहीं एक तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं और ये सारी चीजें मैचिंग में हो तब जाकर के अप्रूवल। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि आज के टाइम में माल प्रैक्टिस नहीं है, करप्शन नहीं है, आज भी है, लेकिन उसमें काफी कमी आई है। इन्होंने फिर एक टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की भी बात कही थी कि जैसे नैक एक काउंसिल है जो पूरे हायर एजुकेशन को एक्रेडिट और एसेस करने की बात करता है, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि टीचर एजुकेशन के लिए अलग बॉडी बननी चाहिए नैक के तर्ज पर, और वो केवल टीचर एजुकेशन को एसेस एंड एक्रेडिट करे। इसकी भी इन्होंने एक अहम भूमिका इसके बारे में। फिर कोलैबोरेशन ऑफ सेंटर स्टेट यूजीसी एनसीटी, इन्होंने एक ये भी अहम बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एनसीटी यूजीसी जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, इनका भी एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। इसकी बात इसलिए भी की गई है क्योंकि आप देखते हैं कि यूजीसी अप्रूवल दे देता है कॉलेज को, एनसीटी अपने बीएड और एमएड को भी अप्रूव दे देता है, लेकिन वहां पे देखते हैं कि जो एफिलिएट करने वाली यूनिवर्सिटी है उनका लगता है कि कोई रोल ही नहीं बच जाता है। उन्होंने अपना फी लिया, एफिलिएट किया और जैसे मन करे वो अपने कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन को रन कर देता है। एफिलिएशन का मतलब केवल एफिलिएशन फी लेना और डिग्री उस कॉलेज के स्टूडेंट को प्रोवाइड करना नहीं होता है, एफिलिएशन के लिए एक कंटिन्यूअस इंफेक्शन और क्वालिटी मॉनिटरिंग की जरूरत। तो उस लेवल पे भी रिफॉर्म की बात कही थी और वो रिफॉर्म तभी हो पाएगी जब कहीं ना कहीं एक जॉइंट एक्शन हो इन सारे के एनसीटी का, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वहां की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी एनसीटी नेक इन सारे का एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड विजिलेंस की भी बात कही एनसीटी के द्वारा कि एनसीटी को सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। वैसे आज भी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है एनसीटी के पास, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पे खास करके ये है कि इंस्टीट्यूशन है उसके पास क्या है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज है या नहीं है, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं मॉनिटर करना है, इंस्पेक्ट करना और पब्लिक डोमेन में लाना है, कोई भी पब्लिक देख सके कि आपके कॉलेज में क्या है, नॉर्म स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, फैकल्टी है क्या, वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उनका पूरा डिटेल पब्लिक डोमेन में आप ला करके रख दीजिए। यदि इस तरीके से करते हैं तो विजिलेंस भी पॉसिबल है और ट्रांसपेरेंसी भी है। इनफैक्ट इसमें यदि ये ट्रांसपेरेंट आप सिस्टम ला दें तो विजिलेंस का काम भी समझिए कि हाफ वे पूरा हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी, विजिलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं वहीं पे ज्यादा विजिलेंस की जरूरत। उसके बाद एनसीटी के चेयरपर्सन के ताल्लुक से भी एक अहम रिकमेंडेशन था जस्टिस वर्मा कमीशन का, और इन्होंने ये बात कही थी कि एनसीटी के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया और खास करके उनका जो अपॉइंटमेंट का एज है जो आज भी 60 इयर्स तक है, उसको बोला कि क्योंकि वाइस चांसलर के इक्विवेलेंट ये पोस्ट होता है तो एज क्राइटेरिया वो भी 60 से बढ़ा करके 65 कर देना चाहिए, इससे काफी इसमें मतलब एक्सपीरियंस लोगों को आने की उसकी गुंजाइश बनेगी। उसके बाद एनसीटी काउंसिल और उसके मेंबरशिप के क्राइटेरिया की भी बात है, क्योंकि इसके मेंबरशिप एनसीटी की काउंसिल जो है इनमें भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाने की जरूरत। रिफॉर्म का मतलब ये है कि एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जब खुद अपने रिसर्च को कंडक्ट कर रहा था, डेटा कलेक्शन कर रहा था 2011-12 के आसपास की बात, मैं एनसीटी भी विजिट करता था, कई सारे एनसीआर के प्राइवेट कॉलेजेस में भी मैं विजिट करता था, और जब भी मैं वहां देखता था कि इनकी टीम में कौन से लोग हैं, मुझे आज तक कोई सीआई का लोग नहीं दिखा, मुझे जेएनयू के लोग नहीं दिखे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग नहीं दिखते थे, जामिया के भी बहुत कम लोग, या जेएनयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बहुत ज्यादा लोग, ज्यादातर लोग आप देखेंगे इनके जो एक्सपर्ट मेंबर्स थे वो सारे सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के ज्यादातर में। तो सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के लोगों का एनसीटी में मेंबर होना भी अपने आप में समझिए कि एक बहुत बड़ी माल प्रैक्टिस थी, और क्वालिटी को डिग्रेड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल उन लोगों ने भी निभाया था। तो उस लेवल पे आके भी रिफॉर्म की बात कही है जस्टिस वर्मा कमीशन ने कि कहीं ना कहीं ये जो मेंबरशिप है एनसीटी की काउंसिल है इसको रिफॉर्म करना है और यहाँ पे सीरियस एकेडमिशियंस को लाने की जरूरत है और उनके थ्रू एनसीटी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से पूरी एनसीटी के रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात जो है जस्टिस वर्मा कमीशन ने करी थी।
और जो लास्ट पॉइंट था जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट का, जिसमें कि मैंने बताया था कि ये करीब 291 डीएलएड इंस्टीट्यूशन थे जिनके अप्रूवल का एक मसला था। ये स्टेट स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक दोनों था, महाराष्ट्र स्टेट के ताल्लुक से और ओनली डीएड प्रोग्राम के ताल्लुक से था। और इनके पेज से पूरा एक वॉल्यूम इन्हीं को डिवोट किया है उन्होंने कि उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको कैसे सॉल्यूशन। उनके बच्चों का एडमिशन वहां हो गया था लेकिन एनसीटी का अप्रूवल नहीं था। अब स्टेट गवर्नमेंट ने एडमिशन ले लिया है, उधर एनसीटी का अप्रूवल नहीं है, बच्चे पास आउट हो जा रहे हैं, उनकी डिग्री इनवैलिड हो जा रही है। अब पूरे के पूरे स्टेट की बात है, कोई एक दो इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, करीब करीब 291 इंस्टीट्यूशन। वैसे लगभग इसी तरीके का मसला कुछ साल पहले आपने देखा होगा एनआईयूएस में भी था। एनआईयूएस के भी जो डीएलएड प्रोग्राम जो डिस्टेंस मोड में उन्होंने चलाए उस पे भी अप्रूवल नहीं था, बाद में फिर पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन ला करके उसको अप्रूव किया गया और उसको रिफॉर्म करके उनके प्रोग्राम को जो है मतलब वैलिड किया। तो लगभग इसी तरीके का एक मसला महाराष्ट्र स्टेट का भी था, इसका भी रिजोल्यूशन बाद में फिर इनको अप्रूवल देकर। तो इस तरीके से जस्टिस वर्मा कमीशन ने जो है चार जो अहम मतलब इन्होंने रेकमेंडेशन दिए, एक क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन पे, क्वालिटी ऑफ इन सर्विस पे, टीचर परफॉर्मेंस ऑडिट पे, स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनसीटी पे, और जो पांचवा और एक छोटा सा मसला था हमारा महाराष्ट्र के डीएलएड इंस्टीट्यूशन का, उस पे इन पांच एस्पेक्ट्स पे इन्होंने डिटेल्ड में दिया है। इनफैक्ट इनकी पूरी रिपोर्ट जो है आप देखें तो मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे पड़ी हुई है, और मुझे लगता है किसी भी टीचर एजुकेशन के सीरियस स्टूडेंट्स को एक बार जरूर जस्टिस वर्मा कमीशन के रिपोर्ट को पढ़नी चाहिए। वो अपने आप में समझिए कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस की भी बात कर रहा है। तो इस तरीके से मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो जस्टिस वर्मा कमीशन के रिपोर्ट के फॉर्म में आया, और इसके प्लान ऑफ एक्शन जो है वो भी 2013 में तैयार हुआ, वो अवेलेबल है, वो भी मैं आपको होगा तो डॉक्टर सोमू सिंह के थ्रू मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो मैं अपने साइड से यही दो बातों पे डिस्कस करना चाहता था, आप उसको बताना चाहता था। और डेफिनेटली देखिए यूजीसी नेट की कोचिंग है, वैसे तो यूजीसी नेट जो है ऑब्जेक्टिव मोड में अपने टेस्टिंग करता है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी सीरियस टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को कभी भी ऑब्जेक्टिव तौर पे नहीं किसी चीज को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इनफैक्ट यदि आप सब्जेक्टिव तौर पे चीजों को समझ लें तो फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन काफी ईजी हो जाता है, और आपको केवल यही नहीं आगे जाकर के आपको रिसर्च करना है, रिसर्च में भी इससे काफी सहूलती है, आसानी। तो चीजों को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में, सब्जेक्टिव तरीकों से, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझने और समझाने के लिए मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं आपके सामने जो है प्रेजेंट करूँ चीजों को। और हो सकता है कि अभी भी काफी चीजें रह गई हो या फर्दर डिस्क्रिप्शन उसका नहीं हो पाया हो वक्त की कमी की वजह से, और क्योंकि एक ही सेशन था। तो यदि फ्यूचर में फिर कभी मौका मिलता है तो हम डेफिनेटली इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपके यदि कोई सुझाव हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, तो मैं फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी मोडालिटीज नहीं जानता हूँ आज के टाइम में कि इसके फॉलो अप में फिर क्या क्या चीजें होती है, क्या फीडबैक सिस्टम है, आपके क्वेश्चंस को मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, ये सारी चीजें। बट डेफिनेटली यदि कुछ ऐसा है तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं सोमू सर को भी अपने रिस्पॉन्सेज भेज सकता हूँ, वो शायद आप लोगों से शेयर कर दें। उनके पास डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जो कि लेक्चर खत्म होने के बाद भी हमारे और आपके बीच के संबंध को कंटिन्यू कर सके, उसको बरकरार रख सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अपने इस लेक्चर को खत्म करता हूँ, और आई होप कि आप लोग अप टू सम एक्सटेंट, देखिए कोई भी 100% कन्विंस नहीं कर सकता है चीजों को, वक्त की कमी रहती है और भी बहुत सारे डिलिमिटेशंस हैं अपने अपने, लेकिन इस वक्त में जो पॉसिबल था मैंने उसे बताने का प्रयास किया है आपके सामने। और फ्यूचर में यदि कुछ और भी क्लासेस होते हैं तो फर्दर मैं इसके लिए आपको फर्दर मैं लेक्चर दे सकता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे इस लेक्चर को सुनने आए हैं, डॉक्टर सोमू सिंह को, और जो भी इस पूरी मोडालिटीज में इसको कंडक्ट करने में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, सभी को बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और थैंक यू, और आई होप कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छा। थैंक यू वन एंड ऑल।